तो गाइस इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपने ब्राउजर पे हूँ गूगल क्रोम पे। अब मैं यहाँ पर किसी भी चीज का एक बुकमार्क क्रिएट करता हूँ, लेट्स से फेसबुक या फिर आउटलुक या कोई भी आप यू नो किसी भी चीज का। तो लेट्स से मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पे आउटलुक टाइप कर दिया, आउटलुक मेल, और मैं यहाँ पे आउटलुक मेल पे गया। अब मुझे इसका बुकमार्क क्रिएट करना है। सपोज मैं इस पेज का करना चाहता हूँ लेट्स से, या फिर मैं यू नो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका यू नो बुकमार्क क्रिएट करूँ, अगर आप ये लॉगिन कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉट फॉर द बुकमार्क यू नो आउटलुक ऑल्सो, नॉट फॉर आउटलुक ओनली। अगर आप यू नो जीमेल या फिर अदर आपकी कोई ईमेल आईडी है या फेसबुक अकाउंट है या फिर आपका यू नो अदर कोई आपकी ब्राउजर है, राइट, ऐप है जो आप अपने ब्राउजर पे बुकमार्क करना चाहते हैं, आपने लॉगिन कर लिया है और आप चाहते हैं कि वो वैसे ही ओपन हो जाए, यू नो आपके लॉगिन ही ओपन हो जाए या फिर आपका वो पेज एज इट इज ओपन हो, तो उसके लिए हम बुकमार्क को क्रिएट करते हैं। तो देखिए बुकमार्क क्रिएट करना बहुत आसान है। अब जैसे कि मैंने ये आउटलुक का पेज ओपन कर लिया है, अब मुझे इसको बुकमार्क क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप देखिए राइट हैंड साइड टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है। तो इस स्टार के साइन पे जैसे ही अगर आप अपना कर्सर लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है बुकमार्क दिस टैब। तो आप यहाँ पे जस्ट एक क्लिक करते हैं और ये बुकमार्क हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको डन करूंगा। और अगर आप चाहते हैं लेट्स से यू नो फॉर सम पीपल जो चाहते हैं, जो काफी सारे बुकमार्क बना रहे हैं या फिर जिनके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, यू नो आउटलुक के मल्टीपल अकाउंट है और वो चाहते हैं कि मुझे हर बार जब भी मैं खोलूं तो मुझे पता चलना चाहिए, तो वो यहाँ पर अपने आउटलुक अकाउंट पे या फिर अपने पर्टिकुलर उस पर बुकमार्क का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया नाम, यहाँ पे मैं इस बुकमार्क को कर देता हूँ चेंज। मैंने यहाँ पे डाला बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 007। देखिए ये मैंने यहाँ पे डाला और मैं इसको अब डन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ये डन किया, अब देखिए जब भी मैं इसको यू नो ब्राउजर को मैं इसको क्लिक क्लोज कर देता हूँ और आप ये देखेंगे बॉटम राइट हैंड साइड पे, सॉरी बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखेंगे मेरा माउस मूव हो रहा है, मैं इसे हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आ रहा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 007। अब मुझे जब भी ये खोलना होगा, जब भी सपोज मेरे को आउटलुक खोलनी है, तो मैं आउटलुक पे सीधा ही क्लिक करूंगा इस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर 007 जहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी ऐप, किसी भी वेबसाइट का, सॉरी किसी भी वेबसाइट का आप बुकमार्क बना सकते हैं और ये विद इन अ फ्यू मिनट्स बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप यू नो आप काम कर रहे हैं तो आपको बार बार जाके पर्टिकुलर उतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।